हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऋग्वेद के पाठ चैप्टर टू पार्ट टू दोनों ही स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन सॉरी 61 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा गया है? आपका दूसरा मंडल और सातवां मंडल, ये जो है वंश मंडल के नाम से जाना जाता है या गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण यानी मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। आर्य शब्द इंगित करता है किसको? श्रेष्ठ वंश को जाती है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ओके, भारत से सॉरी आर्य भारत में संभवतः आए थे किस, इधर से पूर्वी एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? पूर्वी एशिया से या मध्य एशिया से आए थे? तो ये आए थे मध्य एशिया से। ओके, आर्य कहाँ आए थे, कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद जो है आपका गद्य रूप में भी रचित किया गया है, अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सभा समिति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आपका सामवेद में मिलता है या फिर अथर्ववेद में, अथर्ववेद में मिलता है। सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थे का उल्लेख कहाँ मिलती है? तो अथर्ववेद में मिलती है आपका। ओके, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो बीदर्थ थी। ऋग्वैदिक काल में प्राचीनतम संस्था कौन थी? तो विदर्थ थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सी है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। गोत्र व्यवस्था में प्रचलन कब आए? उत्तर वैदिक काल में, यानी जाति व्यवस्था कह सकते हैं, वंश व्यवस्था कह सकते हैं, ये सब उत्तर वैदिक काल में आई है। अनुलोम विवाह क्या होता है? सेम जाति में शादी करना, अनुलोम विवाह। ठीक है, यानी सेम पुरुष और नारी दोनों ही सेम जाति में हो। प्रतिलोम विवाह उल्टा, यानी नारी उच्च वर्ण की होगी, पुरुष उच्च वर्ण की नारी और उससे कम वाला जो व्यक्ति होगा, ओके, नीचे अगर होगा यानी उससे कम गरीब का होगा तो ये प्रतिलोम विवाह है। प्रतिलोम जाति नहीं है, ठीक है, वर्ण का मतलब हालांकि लोग सब जाति के रूप में कह सकते हैं लेकिन ये कैटेगरी है। ठीक है, कैटेगरी है, कैटेगरी का मतलब कास्ट की अमीर गरीब से संबंधित। ओके, लोग लेकिन प्रेजेंट में कास्ट के रूप में लेते हैं। पुरुष के साथ विवाह, प्रतिलोम विवाह। वैदिक युग में यव को कहा जाता क्या था? तो जौ। यव पहले कहा जाता था, यव कहा जाता था प्राचीन वैदिक युग में, तो वो कौन था? तो जौ को कहा जाता था। ब्रीहि शब्द का मतलब क्या होता है? चावल होता है। ब्रीहि शब्द का मतलब क्या होता है? चावल होता है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। ठीक है, अथर्व का अर्थ पवित्र जादू होता है। ठीक है, सुमिलित करना है। शिक्षा संबंधी जो है इसमें मिलाना है। शिक्षा जो है ध्वनि शास्त्र से संबंधित हो गया। कल्प सूत्र जो हो गया कर्मकांड से संबंधित हो गया। निरुक्त शब्द उत्पत्ति से संबंधित हो गया। और छंद जो हो गया छंद शास्त्र से हो गया। इसमें तो आप नहीं गड़बड़ाइएगा, छंद से छंद शास्त्र हो गया
ओके, कल्प सूत्र से कल्पना यानी कर्म कांड करना, ठीक है, कर्म कांड करना कल्प सूत्र। ध्वनि शास्त्र, ठीक है, म्यूजिक, ध्वनि शास्त्र की शिक्षा लेना, ध्वनि शास्त्र की शिक्षा लेना, शिक्षा ध्वनि शास्त्र से इस प्रकार मिला सकते हैं। और निरुक्त का मतलब होता है भाषा का शास्त्र, ओके, यह शब्द कैसे उत्पन्न हुआ उसे, ऑप्शन ए। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है, ठीक है, पाणिनि जो है ये अष्टाध्यायी के रचनाकार है आपका। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति, ओके। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो रामायण को दी गई है। प्राचीनतम पुराण है कौन सी? तो ये प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है आपका, ओके। प्राचीनतम पुराण कौन सी हो गई? मत्स्य पुराण हो गई। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को मना किया है, और सबसे ज्यादा वर्णन सिंधु का है, ऋग्वेद में सरस्वती का है, इसमें गंगा कहीं नहीं दिया हुआ ऑप्शन में। वैदिक समाज की आधारशिला यानी क्या थी? कुल थी या कुटुंब कहते हैं, ठीक है। वैदिक समाज की आधारशिला इकाई क्या थी? कुल, कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उससे सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है, तो वो है इंद्र की। 250 सूक्तों की रचना की गई है, वो है इंद्र की। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता सब मानते थे कौन? इंद्र को, ओके। जो इसकी स्तुति 250 सूक्तों में की गई है, तो वो है इंद्र, ठीक है। ये 5 देख रहे हैं ना, 5 को ई बनाइए इस प्रकार, ठीक है। किस देवता में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुलंघनीय कहा गया है? नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुलंघनीय किसे कहा गया है आपका? तो 84 का डी अथर्ववेद होगा, ठीक है। क्या होगा? अथर्ववेद होगा। किसी रचना में नारी को शूरा और पांसा के साथ तीन बुराइयों में शामिल किया गया है, यानी कंपेयर किया गया है कि शूरा पांसा की तरह महिला भी बुरी है, वो किसमें कहा गया है? तो मैत्रेयी संहिता में किया गया है, ओके। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सबसे ज्यादा सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? देवता पुलरैन, तो वह है प्रजापति। प्रजापति इनका सर्वोच्च स्थान प्राप्त था उत्तर वैदिक काल में। राजसूय यज्ञ होता किसके लिए? राजा के सिंहासन के लिए होता। अश्वमेध यज्ञ होता राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए। ये तो इजी तरीके से याद हो जाएगा। राम जी ने घोड़ा छोड़ा था, अश्व को छोड़ा था, किस लिए भाई? तो बोला था कि जो इसे पकड़ लेगा वो मेरे साथ युद्ध करेगा, युद्ध करेगा तो वो इलाका मेरा, तो राजनीतिक शक्ति बढ़ाने से संबंधित हो गया। वाजपेयी यज्ञ स्वर प्रदर्शन करने के लिए, समाज में दिखाने के लिए या मनोरंजन के लिए किया जाता है, वाजपेयी यज्ञ, ठीक है। और अग्निष्टोम यज्ञ किया जाता है, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि दिया जाता है, जैसे अग्नि को पशु बलि दिया जाता है। एम सोमरस पान किया जाने वाला यज्ञ है, सोमरस का पान किए जाने वाला यज्ञ यानी शराब अथी कह सकते हैं, अग्निष्टम यज्ञ कहलाएगा, ओके। कौन सा है सुमिलित करना है, ठीक है।
जो नदी है उसको सतलज आधुनिक नाम है, पड़ोसनी नदी को रावी नदी कहा जाता है, ठीक है। अथीन बांध रावी नदी पर बनाए गए, अस्किनी नदी चिनाब को कहा जाता था, और विपाशा ब्यास को, ठीक है। चिनाब का पुराना नाम क्या था? अस्किनी, ठीक है, अस्कनी। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 संस्कार है। ओके, संस्कार कितनी है? 16 संस्कार है। ब्रह्म विवाह यानी सामान वर्ण और जाति से विवाह करना बताए थे, ब्रह्म विवाह सब कहता है। ओके, देव विवाह पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, ठीक है, देव विवाह कहलाता था, ठीक है, पुरोहित को। या फिर आर्स विवाह, आर्स विवाह का मतलब कन्या मूल रूप के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल को चुका कर किया गया विवाह, कन्या विवाह आर्स विवाह कहलाता था। प्रजापति विवाह बिना दहेज का विवाह, ठीक है, प्रजापति विवाह बिना दहेज का विवाह कहलाता था, ऑप्शन ए 90 का। गंधर्व विवाह का मतलब क्या होता है? गंधर्व विवाह का मतलब ये होता है प्रेम विवाह, ठीक है। गंधर्व विवाह का मतलब प्रेम विवाह होता है। आसुर विवाह का मतलब होता है कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। ओके, कन्या को खरीद कर किया विवाह, कन्या आसुर विवाह। राक्षस विवाह का मतलब होता है उसको अपहरण करके करके लड़की से शादी कर लेंगे, या फिर पराजित राजा है उसकी कन्या को उठा करके शादी कर लेंगे, उसे राक्षस विवाह कहते हैं। और पैशाच विवाह क्या होता है? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर देना, या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करना, जैसे पागल उगल होती है, फिर उसकी शादी कर लेना होती है, या फिर गुमराह करके शादी कर लेना, वो क्या कहलाता है तुम्हारा? पैशाच विवाह कहलाती है। ओके, तीन ऋण में शामिल कौन नहीं है ये बताना है। मातृ ऋण नहीं है, ठीक है, देव ऋण है, पितृ ऋण है और ऋषि ऋण है, ठीक है। माता का ऋण नहीं माना जाता था महिला को। ओके, बाकी क्योंकि पैतृसात्मक शासन था ना, ठीक है, पुरुषवादी शासन था, इसलिए तीनों में नाम अस्ते आपको साफ दिख रहा होगा, ठीक है। मातृ ऋण में ऐसा, मातृ ऋण को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता था उस समय महिला को, यानी ऋग वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है कौन? तो ऋग्वैदिक काल से संबंधित जो मृदवाहन संस्कृति है वो है क्या? तो वो है गेरुवर्णी मृदभांड ओसीपी संस्कृति, मृदभांड ओसीपी संस्कृति है। ऋग्वैदिक काल में कैसा था? गेरुवर्णी यानी जो बर्तन जो होता था ना वो गेरुआ कलर का होता था, यानी लाल कलर का एक तरह से। फिर उत्तर वैदिक काल में आता है तो काली में आता है, ठीक है, काली धूसर में। और उत्तर वैदिक काल में बताए थे धूसर काल, धूसर माने काली, PGW संस्कृति का काल आता है, काला काला बर्तन रंगाना हुआ चालू, ठीक है। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभान यानी PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है? तो वो है भगवानपुर, ठीक है। तो हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर यानी काला कलर का जो बर्तन होता है वो स्थान किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन से प्राप्त हुआ? तो काला बर्तन भगवानपुर से मिला है, ठीक है, भगवानपुर से। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाले विवाह सूक्त किस में पाए गए हैं? तो ऋग्वेद में मिला है, ठीक है, किस में मिला है? ऋग्वेद में मिला है। संगृहित, संगृहित कोषाध्यक्ष को कहते हैं, संगृहित कोषाध्यक्ष को कहते हैं। भागदूत कर संग्रहकर्ता को कहते हैं। ओके, भागदूत का मतलब होता है कर संग्रहकर्ता। फिर
छत्ता या छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक होता है। पासे के खेल में राजा का सहायक छत्ता या छत्री। अक्षवाप का मतलब होता है प्रतिहारी या राजा प्रसाद का रक्षक। ऑप्शन ए ठीक है। अक्षवाप, अक्षवाप यानी प्रतिहारी या राज प्रसाद का रक्षक होता है। संग्रहित मैंने पैसा को एक कोषाध्यक्ष कहते थे। भागदूत का मतलब कर संग्रह करने वाला को भागदूत कहते हैं। और राजा को हेल्प करने वाला खेल में ठीक है वो छत्ता या छतरी कहलाता था। और अक्षबाप का मतलब होता है प्रतिहारी ठीक है। रीत, रीत मैंने प्राकृतिक संतुलन। रीत का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संतुलन यानी ऋतु व्यवस्था से संबंधित कह रहा है ठीक है। ये स्थापित करने का किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ऋतस्य गोप कहा गया है वरुण को। ऋतस्य गोप किसे कहते हैं? वरुण को कहते हैं। थोड़ा दिख नहीं रहा है इसके लिए सॉरी दोस्तों, तो इसको ध्यान से आप लिख लीजिएगा ठीक है। क्या कहते हैं? ऋतस्य गोप किसे कहते हैं? तो वरुण को कहते हैं। ओके, कौन मूलतः समुद्र का देवता कहलाता है? तो वरुण को ही कहते थे। ऋतस्य गोप भी वरुण हो गया और समुद्र का देवता भी किसे कहते हैं? तो वरुण को ही कहते हैं ठीक है। तीन क्रमों यानी तीन पग से नाप लेने माप को लेने के कारण उसे उपक्रम कहा गया है। तो किसे कहा गया है? विष्णु को कहा गया है ठीक है। उपक्रम कहा गया किसे? विष्णु को। इसमें मिलाना है कौन सही है? पूषण का मतलब क्या होता है? पूषण का मतलब क्या होता है? तो विवाह का देवता होता है। पूषण का मतलब विवाह का देवता। रुद्र का मतलब होता है पशुओं का देवता है। रुद्र रूप धारण कर लिया है यानी जानवर कैसे दम रुद्र रूप ले लेता है कैसे आप समझ सकते हैं? रुद्र यानी पशुओं का देवता। पूषण जो हो गया विवाह का देवता हो जाएगा। धौ या धौस जगत का पिता। धौस जब आते हैं ना घर में कौन धौस जब आते हैं? तो पिताजी करते हैं ना धौस जन्माते हैं ना। तो इस प्रकार आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। जगत का पिता यानी पिता धौस जमाते हैं घर में। और अदिति देवतों देवों की महान माता। अदिति जानवर फीमेल का नाम बता है, तो इसमें साफ समझ सकते हैं माता ठीक है। अदिति देवों की माता, देवों की महान माता ठीक है। अदिति कहलाई। ऑप्शन मान लीजिएगा ए। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित किससे है? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र जिसमें खासकर महिलाओं को दबाया गया है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद बुक पढ़ लीजिएगा तब आपको समझ आएगा ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने किया था ठीक है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। कौन सी एक ऋग्वैदिक आयु की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। क्या वे लोहे के उपयोग से परिचित थे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऋग्वैदिक आर्य जो थे लोहे के से परिचित थे क्या? जी नहीं। बाकी उनके पास घोड़े थे, रथ थे, आकाश के उपयोग से परिचित थे। हाँ गौ से परिचित थे। जी हाँ। संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। हाँ उस समय थी उनका पास, ऋग्वैदिक आर्यों के पास। वे ताम्र अर्थात उनके पास संपत्ति बहुत होती थी, जमीन जायदाद काफी होती थी ऋग्वैदिक आर्यों के पास ठीक है। और आज भी देख सकते हैं आप उनके पास है संपत्ति अधिकतर के पास।
वे ताम्र, मैं अधिकतर बोल रहा हूँ, वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। जी हाँ, बिल्कुल परिचित थे। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आयु के संबंध का सूचक है? तो कुंभा नदी और क्रमु, क्या बोल रहा है? ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? यानी अफगानिस्तान में भी था और आर्यों का इसके साथ, दोनों के साथ संबंध दिखाता है, तो वो है कुंभा नदी और क्रमु। धर्म और रीति भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। ओके, धर्म व्यक्ति के दायित्व से संबंधित है। जी हाँ सही है। और रीति जो है नैतिक विधि विधान है। जी हाँ बिल्कुल सही है। ओके, नैतिक विधि विधान है, इसको पूरा समझिएगा। धर्म क्या है? व्यक्ति का दायित्व होता है। लोग धर्म का मतलब कुछ और ही समझता है। ओके, हिंदू मुस्लिम समझता है, जबकि उसका मतलब संप्रदाय होता है। धर्म व्यक्ति के दायित्व और स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। जी हाँ। और रीत का मतलब होता है नैतिक विधि विधान, जो सृष्टि एवं उसमें अंतर्निहित सारे तत्व के क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो वो है 1 और 2। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने लिया था। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने किया था, बाल गंगाधर तिलक। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। कुंभा नदी काबुल में है, पड़ोसनी नदी रावी नदी को कहते हैं, सदा नीरा किसे कहते हैं? गंडक को कहते हैं, और सतुद्री सतलज को कहते हैं। ओके, पड़ोसनी रावी नदी ऑप्शन नंबर 2, कुंभा काबुल पड़ोसनी रावी। ओके, सदा नीरा गंडक और सतुत्री सतलज है। ओके, तो इस प्रकार टोटल 110 क्वेश्चन एक और होगा। ऋग्वेद में सूक्त कितनी है? 1028। ओके, 1028 सूक्त है। कितनी सूक्त है? 1028 सूक्त है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था किसकी? पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था किस चीज का था भाई? धर्म प्रमुखता प्रकृति की पूजा और यज्ञ करना। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था क्या? प्रकृति की पूजा करना और यज्ञ करना। वैदिक कार्य नहीं बोल रहा, बल्कि पूर्व वैदिक काल का बात कर रहा है। तो प्रकृति की पूजा करना और यज्ञ था। टोटल इसमें 112 क्वेश्चन था। वैदिक सभ्यता से संबंधित। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करिएगा, और कमी जो है वो बता दीजिएगा। तो वैदिक संस्कृति समाप्त होती है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक।